Hello guys, I am Ashi from LU Update. In this video, we are going to discuss the short notes for economics. We have started the series of economics for the short notes. Those questions are asked in your entrance examination for BHU, BBAU and CU CEST. ठीक है, बेसिकली आपके जो बी कॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दिस इज़ दी पार्ट थर्ड. सो दोज हैव नॉट वॉच दैट टू पार्ट्स, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिमांड चैप्टर. आपके डिमांड चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिमांड होता क्या है, डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. ओके, बेसिकली आपके एंट्रेंस में इसी कंसेप्ट से ही आपके MCQs बनते हैं. ओके, सो क्लियर योर कंसेप्ट. सो पहले क्या है डिमांड, बेसिकली डिमांड का क्या मतलब होता है. डिमांड इज़ अ विलिंग to purchase and ability to pay for a commodity at a particular point of a time. Basically demand का मतलब होता है कि किसी person की willingness कि वो उस commodity को purchase कर सके और at the same time उसके पास उतना money, उतना price जो भी commodity का है उसके पास उतना price होना चाहिए कि वो उस commodity को उसी time at that point पर वो उसको खरीद सके, purchase कर सके. Okay, that is called as demand. डिमांड और डिज़ायर के बीच में बेसिकली यही डिफरेंस होता है. डिज़ायर मतलब होता है वांट टू परचेज दैट कमोडिटी, मतलब एक इंडिविजुअल वांट करता है, डिज़ायर करता है कि वो उस कमोडिटी खरीदेगा, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम पे वो उस चीज़ को परचेज नहीं कर पाता है. बट डिमांड का मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू परचेज, मतलब उसकी इच्छा होती है और वो क्या होता है, वो उतना एबल भी होता है कि उस कमोडिटी को वो परचेज भी कर लेता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिमांड. ओके, देन देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ अ डिमांड. बेसिकली आपके डिमांड के टाइप्स होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड होती है, ड्राइव डिमांड होती है, कंपोजिट डिमांड होती हैं. ओके, बेसिकली सिक्स टाइप्स के आपके डिमांड्स होती हैं. पहला कौन सी डिमांड है आपकी, देखिए इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल आपकी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. ओके, देन द सेकंड इज़ अ मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड में बेसिकली क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो होती है बेसिकली आपके ऑल द कंज्यूमर. इंडिविजुअल डिमांड में आपने पढ़ा है एक इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करता है, बट इन अ मार्केट डिमांड में क्या होता है, बेसिकली एग्रीगेट ऑल द कंज्यूमर जितने भी होते हैं सोसाइटी में वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं इन अ पर्टिकुलर, इन अ मार्केट में एट अ पर्टिकुलर प्राइसेस पे क्या करते हैं, वो बेसिकली डिमांड करते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट डिमांड. ओके, देन देर इज़ अ नेक्स्ट डिमांड इज अ जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड बेसिकली क्या होती है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो क्या हो, टू और मोर कमोडिटीज़ जो हों, दो और दो से ज़्यादा कमोडिटी जॉइंट हुए एक दूसरे के साथ, विच इज़ यूज जॉइंटली और टूगेदर, जो एक साथ यूज़ होती है. जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन के साथ क्या होता है, रिमोट जो होता है उसके साथ ही होता है. सो ये क्या है, बेसिकली जॉइंट डिमांड है, क्योंकि एक की कमोडिटी की डिमांड होगी, जैसे टेलीविजन की डिमांड हुई तो रिमोट की भी डिमांड होगी. सो ये क्या है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिमांडेड होती है चाहे उसके साथ दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी क्या होती हैं, एक साथ डिमांड होती है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ जॉइंट डिमांड. देन देयर इज अ नेक्स्ट इज अ ड्राइव डिमांड. ड्राइव डिमांड क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी कमोडिटी की डिमांड जो एक पर्सन, एक कमोडिटी की डिमांड हो उससे क्या हो कि बहुत सारी कमोडिटी की क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाए. जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जब आपको हाउस बनवाना होता है या बिल्डिंग बनवानी, बिल्डिंग बननी है कहीं पे, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो जब आपको हाउस और बिल्डिंग जब बनवानी होती है, तो जब हाउस और बिल्डिंग की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारी डिमांडें बढ़ जाती हैं. जैसे आपकी ब्रिक्स की डिमांड बढ़ गई,
सीमेंट की बढ़ गई, वुड की बढ़ गई, फर्नीचर की बढ़ गई, बहुत सारी क्या होती हैं आपकी जो डिमांड्स होती हैं कमोडिटी की, डिफरेंट डिफरेंट एक कमोडिटी के डिमांड की वजह से क्या होते हैं जो अदर्स गुड्स हैं, जो अदर कमोडिटीज़ हैं उनकी भी डिमांड क्या होती है इंक्रीज़ हो जाती हैं। ओके, सो जब आपके हाउस की डिमांड बढ़ेगी तो आपके क्या हो जाएंगे, ब्रिक्स, सीमेंट, फर्नीचर, वुड, इन सारी की भी डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्राइव डिमांड। ओके, देन देर इज़ अ कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, बेसिकली कंपोजिट डिमांड आर डिमांड फॉर गुड्स विच हैज़ अ मल्टीपल यूजेस, मतलब एक कमोडिटी की डिमांड करना और उसकी उस कमोडिटी, दैट पर्टिकुलर कमोडिटी हैज़ अ वेरियस यूजर्स, उसके मल्टीपल क्या है, उसके यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं उस कमोडिटी के। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए स्टील। ओके, जब आप स्टील की डिमांड करेंगे, ओके, सो उससे क्या होगा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, आप एक स्टील से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल उसके यूजेस कर सकते हैं। जैसे उससे आप यूटेंसिल्स बना सकते हैं, ओके, उससे आप रूम कूलर जो होता है वो बना सकते हैं, आप स्टील का यूज़ करके कार में भी स्टील का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल गुड की डिमांड से क्या होता है कि उसके वेरियस यूजर्स होते हैं दैट डिमांड के। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंपोजिट डिमांड, उसको हम लोग बेसिकली कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। ओके, देन देर इज अनदर डिमांड इज एक्स एंड डिमांड एंड एक्स पोर्ट डिमांड। ओके, एक्स एंड डिमांड क्या होता है, बेसिकली वो डिमांड दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब एक्स एंड डिमांड वो डिमांड होती है जो कंज्यूमर क्या एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, वो विल कर रहा होता है कि वो उस कमोडिटी को परचेज करेगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम में। बट एक्स एक्सपोर्ट डिमांड क्या होती है, एक्सपोर्ट डिमांड वो डिमांड होती है बेसिकली वो कंज्यूमर जो एक्चुअली में उसको परचेज कर लेता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में, जो कंज्यूमर एक्चुअली परचेज कर चुका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड बोलते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस होता है एक्स एंड डिमांड एंड एक्सपोर्ट डिमांड में। ओके, एक्स एंड डिमांड क्या होता है, बेसिकली वो कंज्यूमर विल कर रहा होता है उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम में, और एक्सपोर्ट डिमांड वो डिमांड होती है जो कंज्यूमर एक्चुअली में परचेज कर चुका होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में। ओके, और हम लोग बेसिकली आपके जो भी एक्स एंड डिमांड होती है वो प्लान डिमांड कहते हैं या डिजायर डिमांड कहते हैं, क्योंकि आप प्लान करते हैं खरीदने का, मतलब आप डिजायर करते हैं, प्लान करते हैं कि मैं उस कमोडिटी को खरीदूंगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम पे। बट एक्सपोर्ट डिमांड वो होती है जो इफेक्टिव, इसको हम लोग बेसिकली इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली परचेज हो चुकी होती है। ओके, देन देर इज़ अ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ रिलेशन बिटवीन एन इनकम एंड द डिमांड ऑफ अ डिफरेंट गुड्स। अब क्या है, बेसिकली आपके इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप होता है, बेसिकली इनकम एंड डिमांड में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्या डिमांड ऑफ द जो कमोडिटी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ पे आपके तीन डिफरेंट गुड्स को एक्सप्लेन किया गया है आपके इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप को शो करने के लिए। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड एंड तीसरे होते हैं इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी। ओके, सो पहले जो होते हैं वो नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी बेसिकली इसके बीच में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, जैसे देखिए आपकी इनकम है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव गुड में आपको बताया जा रहा है कि इनकम है और ये डिमांड है, ठीक है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, जैसे कंज्यूमर की पहले इनकम इतनी थी तो वो डिमांड इतनी कर रहा था, जब उसकी इनकम बढ़ी तो उसने डिमांड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इनकम एंड डिमांड के बीच में इन अ नॉर्मल गुड्स में। ओके, सो पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। ओके, देन देर इज अ नेक्स्ट इज अ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के थ्रू आपकी इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप शो किया गया है। बेसिकली इसमें क्या हो गया है कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, आपको जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, बेसिकली देखिए जैसे आपकी इनकम बढ़ी, जैसे आपकी इनकम पहले इतनी थी तो आपने इतनी डिमांड की, लेकिन आपकी जैसे इनकम बढ़ी वैसे आपने डिमांड कम कर दिया। ओके, सो ये क्यों होता है, ये बेसिकली आपका नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड के बीच में। क्यों, जैसे आप इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे आपका मेज़ हो गया, ज्वार हो गया,
बाजरा हो गया, ये सारे बेसिकली इंफीरियर गुड्स हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है, वो इंफीरियर गुड्स से क्या होता है, वो शिफ्ट ऑन कर जाता है टू द सुपीरियर गुड्स की ओर। ओके, सो इसमें इसलिए क्या होती है कि जो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे क्या हो जाएगी, जो आपकी इंफीरियर गुड्स हैं उनकी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और सुपीरियर गुड्स जो होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, आप जैसे जब आपकी कंज्यूमर की इनकम कम थी तो वो मेज़ ज्वार बाजरा खरीदता था, बट जब उसकी इनकम बढ़ी तो वो क्या हो गया कि मेज़ ज्वार बाजरा से शिफ्ट ऑन होकर वो किसके पे आ गया, आशीर्वाद आटा, ये सब चीज़ें परचेज करने लगा। तो सुपीरियर गुड्स जो होंगे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, बट जो इन्फीरियर गुड्स होंगे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, देन देयर इज़ अ नेक्स्ट इज़ अ इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी। इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे डिमांड भी बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लेवल तक ही सिर्फ बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम है और ये डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है कि वो बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ती रही, डिमांड भी बढ़ती रही, फिर क्या हो गया आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगी, वो कंस्टेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो गया, वो कंस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप क्यों होती है इसमें बेसिकली, क्योंकि ये जो ये सारे जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी होते हैं। जैसे आपका हो गया मैच बॉक्स। ओके, इसमें क्या होता है, ये इनएक्सपेंसिव गुड्स होते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएंगी, जो इनकी डिमांड्स होंगी बेसिकली आप इसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड करते हैं, आफ्टर दैट ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। ओके, रिमेन्स दी सेम रहती है चाहे कंज्यूमर की इनकम बढ़े या घटे। ओके, देन देयर इज़ अ नेक्स्ट इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। बेसिकली यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली आपके डिमांड को क्या करते हैं, कंज्यूमर की जो डिमांड होती है उसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहला होता है प्राइस, जो फर्स्ट होता है फैक्टर होता है प्राइस। जब किसी भी गुड कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ेंगे, ओके, सो उससे क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। सो पहला जो फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करता है वो प्राइस होता है। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज़ अ प्राइस ऑफ द, सेकेंड इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बेसिकली आपकी डिमांड को इफेक्ट करती है, जैसे गवर्नमेंट ने आपका टैक्सेस और सब्सिडी आ गया। ओके, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पे, तो डिमांड क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसके प्राइजेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जितनी, वो भी क्या करती हैं, आपकी डिमांड को इफेक्ट करती हैं। थर्ड वन इज़ अ प्राइस ऑफ अ रिलेटिव गुड्स। जितने भी आपके प्राइस होते हैं रिलेटिव गुड्स में, मतलब आपके आगे सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। ओके, दो रिलेटिव गुड्स होते हैं, एक सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ओके, इन देखिए बेसिकली सब्सटीट्यूट गुड्स के अगर आपकी प्राइजेस बढ़ रहे हैं किसी कमोडिटी के, तो सब्सटीट्यूट गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बट इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता, इनमें नेगेटिव रिलेशन होते हैं, जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी क्या हो जाएंगे, उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, जैसे ही प्राइजेस बढ़ेंगे तो इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, तो बेसिकली आपकी जो रिलेटिव गुड्स की प्राइस होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अभी आपने पढ़ा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बेसिकली इफेक्ट करती है, जैसे नॉर्मल गुड्स हो गए आपके, इन्फीरियर गुड्स हो गए, और इनएक्सपेंसिव गुड्स ऑफ नेसेसिटी। ये तीन वे में क्या करता है, इनकम भी क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज अ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेसिकली आपकी कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा किसी कमोडिटी के टूवर्स, तो क्या होता है, उससे भी क्या होता है, आपका जो डिमांड होती है कंज्यूमर की वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, डिमांड को इफेक्ट करता है। ओके, देन देयर इज अ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, अगर कंज्यूमर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ जाएंगे इस कमोडिटी को, तो क्या करेगा वो प्रेजेंट टाइम में क्या करेगा, उस क्वांटिटी जो भी कमोडिटी है उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा। बट अगर उसको लगता है कि प्राइजेस इन द फ्यूचर फॉल हो जाएंगे, तो वो प्रेजेंट टाइम में क्या करेगा, जो डिमांड होगी वो क्या करेगा, कम करेगा। ओके, सो एज टू अवॉइड टू पे अ हायर प्राइजेस को अवॉइड करने के लिए। ओके, सो ये भी इफेक्ट करता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। देन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, आपकी साइज ऑफ अ पॉपुलेशन क्या है बेसिकली, वो भी बेसिकली आपकी डिमांड को इफेक्ट करता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इनकम, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ इनकम है, ओके, वो भी बेसिकली आपकी डिमांड को इफेक्ट करेगी। एंड लास्ट वन इज़ अ कंज्यूमर क्रेडिट
फैसिलिटी, मतलब आपके जो बैंक है वो कैसी कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा क्रेडिट होगा तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर कम क्रेडिट होगा तो डिमांड कम करेगा। ओके, सो इससे भी क्या होता है, डिमांड इफेक्ट होता है। ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं। देन देयर इज अ रिलेटिव गुड्स। आप दो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने सुना होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको पहले डिटेल में समझते हैं कि ये होते क्या है। बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स दैट सैटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ अ गुड्स एंड कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द अदर। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली एक कमोडिटी को सैटिस्फाई करने के लिए दूसरी कमोडिटी को हम लोग यूज़ ऑन कर लेते हैं, वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक। ओके, जैसे जब पेप्सी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कोक की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या हो जाएंगे कि पेप्सी से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट ऑन कर जाएंगे कोक के पे। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे पेप्सी के तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कोक होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में बेसिकली क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। ओके, और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जो एक साथ यूज़ होते हैं, दैट आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। मतलब बेसिकली वो क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ होते हैं सो एज टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आपका हो गया कार एंड पेट्रोल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, कार एंड पेट्रोल, जैसे ही बेसिकली आपके जो भी क्या है कि आपके जो भी पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो आपकी जो कार की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी, क्योंकि आपके प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल के क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो इससे क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। बेसिकली इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, क्योंकि एक के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर प्राइसेस बढ़ गए। तो इसमें बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ओके, सो देखिए इनवर्स रिलेशन बिटवीन अ डिमांड एंड द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ओके, थैंक यू गाइज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, इन द अपकमिंग वीडियोज एंड आई होप यू विल वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द थंब बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू आर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। Thank you.